नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। कहीं स्किप करोगे तो आपको इसमें पूरा ही वीडियो समझ में नहीं आएगा। वीडियो अंत तक देखिए तो आपको इसमें पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि आधार कार्ड मिसयूज कैसे होता है, इसकी कैसे सेफ्टी की जाती है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अपना जेएम टेक्निकल चैनल है इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हर दिन लाता रहूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते तुरंत आ जाए तो आप देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने सबसे पहले इसमें UIDAI.gov.in इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ओपन कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप लॉग इन हो सकते हो। तो अभी अपने को क्या करना, ये सिंपली ये ओपन हो गया है। उसके बाद अपने को तो माई आधार पे है ये, माई आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार सर्विस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इसको क्लिक करना है। उसके बाद नया, उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर बायोमेट्रिक लॉक अनेबल आई नॉट परफॉर्म बायोमेट्रिक अनलॉक बायोमेट्रिक। तो ये आपको मिस यूज करने से इसमें सहायता करेगा। ये आपको लॉक करके रखोगे जब तक आप अनलॉक नहीं करोगे, ये आपका कहीं यूज नहीं होगा। मिस यूज कोई कर ही नहीं सकता है जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे। लॉक आपके पास ही रहेगा, जब आप चाहो तब अनलॉक कर सकते हो। तो अभी आप भी अपने को यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद एक कैप्स कोड वेरिफिकेशन कोड डालना है। उसके बाद ओटीपी आएगा अपने मोबाइल में। जैसे ही ओटीपी आता है वो अपने को यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे ये TOPT है, ये अपने जो मोबाइल में एप्लीकेशन होती है उसमें एक ऑप्शन आता है TOPT जनरेट करने का। वो जनरेट करने बाद यहाँ पे आप डालोगे तो वो TOPT यहाँ वैलिड हो जाएगा। तो अभी अपने OTP भेजा तो अपने मोबाइल पे SMS आ गया है तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। फिर सबमिट करना है। अभी अपने को यहाँ पे क्लिक करना है अनेबल लॉकिंग फीचर, ये अनेबल कर दिया है। जैसे जैसे ही अनेबल करेंगे आपका ये, जैसे अपना योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली, यू विल नॉट बी अनेबल टू यूज बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आईआरएस दिस प्रिंट मिस यूज। आपका ये मिस यूज होने से पूरा सेफ्टी रखेगा। कहीं भी आपकी गलत जगह पे आपका आधार कार्ड यूज नहीं होगा। आप कहीं भी आप नंबर दे दो, जेरोक्स दे दो, कहीं भी आपको मिस यूज करेगा तो आपका मिस यूज नहीं होगा, क्योंकि इसकी बायोमेट्रिक लॉक की गई है। तब तक ये अनलॉक आप नहीं करोगे तब तक आपका, जब मोबाइल पे OTP आएगा OTP से ही अनलॉक होगा। आप OTP किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करें। कोई भी किसी कैसा भी फोन आ जाए तो आपको OTP किसी को बताना नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी बताए, जैसे आपका कोई बोलेगा कि अगर आपका अकाउंट नंबर बंद हो रहा है, कोई बोलेगा कि आपका आधार कार्ड बंद हो रहा है, तो आपको OTP बताए तो आपका घर बैठे चालू कर देंगे, तो ऐसा कोई होता नहीं। तो कि आपको OTP किसी को बताना है नहीं। तो जब तक आपका ये बंद रहेगा, आपके पास सादा सिंपल फोन है तो उसमें एक SMS की सर्विस भी है, उससे भी आप ये आधार कार्ड लॉक और अनलॉक कर सकते हो। जैसे अभी ये लॉक हो गया है तो अनलॉक करने का सिस्टम कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर वैसे ही का वैसे आप जो अभी पहले किया था वैसा ही सिंपली तरीका है। उसके बाद अपने को लॉग इन करना, वैसे ही जैसे अभी अपने को यहाँ पे वही आधार कार्ड का नंबर डालना है। देखिए अपने पास अभी OTP आ जाएगा। जैसे ही अपने पास OTP आता है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद अपने को सबमिट करना, जैसे पहले लॉग इन किया था उस हिसाब से दोबारा करना होता है। तो अभी अपने को यहाँ अपने पास आ गया है अनलॉक बायोमेट्रिक। आपको ये पूरा ही बायोमेट्रिक हटाना है, अपने को फीचर रखना ही नहीं है, तो आपको डिसेबल लॉकिंग फीचर पे कर देना है, क्योंकि अपने को ये लॉक चाहिए ही नहीं। तो आप लॉक नहीं चाहिए तो आपका कहीं भी कभी भी मिसयूज हो सकता है। आप लॉक रखोगे तो आपका कहीं भी कभी भी मिसयूज नहीं होगा। फिंगरप्रिंट लगाओगे तो भी आपका आधार कार्ड का मिसयूज नहीं होगा। कहीं भी आपका बैंक अकाउंट में जब अंगूठा नहीं दबा के आप पैसे निकाल लेते हो, आपका बायोमेट्रिक लॉक होगा तो आपका पैसा निकलेगा नहीं। आपका कहीं भी कुछ भी दबा दो, कोई भी जबरदस्ती दबा गया तो निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको, तो आपको कहीं निकलवाना है तो आपको इसको अनलॉक करना होता है। ये अनलॉक जैसे ये ऊपर वाला बटन है, जैसे आप अनलॉक दबाओगे तो ये आधा घंटा तक अनलॉक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर लॉक हो जाएगा। जैसे बटन दबा दिया, अभी इसने अनलॉक कर दिया है, अभी 7:15 बजे तक अनलॉक रहेगा। अभी 7:03 हुई है, मतलब 15 मिनट ही रहता है, ज्यादा ही आपका लॉक नहीं रहता। पहले आधा घंटा रहता था, अभी इसने 15 मिनट कर दिया है, तो ये 15 मिनट तक लॉक रहेगा, अनलॉक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो आपको 15 मिनट में जितना काम होता है उतना कर लीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लॉक करने एक बार अनलॉक कर दिया अपना, 15 मिनट में काम हो गया, फिर इसको ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फिर अपने को लॉक खोलना है तो लॉक खोल सकते हैं। आपके पास सादा सिंपल फोन है, उसकी
एसएमएस से भी कर सकते हो, आधार सर्विस ऑन एसएमएस। ये वर्चुअल आईडी, रिट्राई, ओटीपी या नहीं आता है तो लॉक, ये लॉक वाला सिस्टम है जीटीयूपी। इसमें आधार नंबर डाल के आपको लॉक यूआईडी, उसके बाद आधार नंबर 4 डिजिट, फिर स्पेस ओटीपी डाल के आप सबमिट कर दोगे तो भी आपका ये लॉक एंड अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के लिए सिस्टम पूरा दिया हुआ है ये, आप ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो आराम से। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।